That is the momo. घर में बना हुआ मोमो ऐसी माल वाला हद दे धोरे देखा एक माल वाला पता है ठीक है ले आना वाला पास हो गया भाई यहाँ से चलिए घुस जाते हैं व्हाट्सअप गाइज वेलकम इन नया व्लॉग। शाम के अभी 6:30 बजे है और मैं अभी जा रहा हूँ मेरे माँ को लेकर टू डॉक्टर्स चेंबर। एग्जैक्टली यू गो एंड टेक द हेलमेट। ओके मैं जा रहा हूँ डॉक्टर्स चेंबर्स, कुछ इशू हो चुका है इसके लिए जाना पड़ रहा है। क्या है इशू चलिए जाते जाते आपको वो भी बताते हैं। क्यों जा रहा हूँ मैं डॉक्टर्स चेंबर के डॉक्टर के पास, तो चलिए इशू कुछ ऐसा है, सीन कुछ ऐसा है, मेरा माँ का एक पुराना डिजीज़ पुराना रोग वो फिर से वापस आ रहा है और आ चुका है। कहा है वो सीन, दैट इज़ द बोन इशू, हार का प्रॉब्लम। तो मेरे मम्मी का से लगभग 6-7 साल पहले जो पैर का जो हील होता है ना, जस्ट लाइक ए हील में वहाँ पर जो बोन एक्सटेंशन होता है ना, हार बढ़ जाता है, उसका एक प्रॉब्लम हुआ था। इसलिए हार ऐसे बोन ऐसे नहीं बढ़ता है, वहाँ पर कैल्शियम का कुछ इशू होता है, कैल्शियम बढ़ जाता है लाइक दैट। तो पहले हम लोग गए थे टू द एलोपैथिक पेरोजस्ट चेंबर, वो लोग बोला आपको पैर काटना पड़ेगा, काट के आपको छोटा करना पड़ेगा, सो दैट्स क्वाइट डेंजरस इस साउंड नो। तो उस टाइम हम लोग गया था एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जो मेरे ही एरिया में रहते हैं। तो उस अंकल जी ने पूरा एकदम एक साल के ट्रीटमेंट के बाद पूरा पैर का जितना भी इशू था, जो प्रॉब्लम था, कैल्शियम बढ़ चुका था, जिसको हार्ड बोन बढ़ जाना भी बोला जाता है, उसका थोड़ा पूरा इलाज कर दिया था। बट क्या हुआ पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली 6-7 साल बाद सडनली अगेन दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग। ये प्रॉब्लम शुरू हो रहा है, जबरदस्त दर्द हो रहा है और ये विंटर का टाइम है, इस टाइम में तो दर्द बहुत ही बढ़ जाता है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या हो गया, जो COVID-19 के लिए जो पहले वाला जो डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे, वो भाई साहब अभी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम आउट ऑफ द लोकेलिटी, ठीक है, तो वो नहीं आ रहा है। तो माई सिस्टर रेफर्ड अनदर डॉक्टर, जो मेरे सिस्टर के जो लॉज हाउस है उस एरिया में रहता है, मीन्स उसका चेंबर है, तो वो भी एक होम्योपैथी डॉक्टर है, तो उसके पास जा रहा है। तो देखते चलिए वहाँ का सीन कैसा है। तो भैया मैं आ चुका हूँ हम लोग डॉक्टर्स चेंबर के एकदम करीब। ये है सामने डॉक्टर्स चेंबर, कौन सा है यहाँ पर, ये है बिश शेट डॉक्टर्स चेंबर, तो बंद है, बंद आज माँ ये शेट यहाँ उठते गलम दादा, डाक्तरखाना खोले ना, होम्योपैथी डाक्तरखाना रोबर बंद। আচ্ছা কনক ডাক্তার, কনক ডাক্তার কি এটা এখানেই বসেন, এখানে বসে কনক ডাক্তার না, হ্যাঁ কনক ডাক্তার, কনক বন্ধ না জব্বর বলে বাজে চলো 6:45 দাঁড়িয়েছি, ঠিক আছে ঠিক কথা বল, হ্যাঁ 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 কথা বলে কল কর। তো ভাই ইয়ে ক্যা কনফিউশন হ্যাঁ, ডক্টর ক্যা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লিয়া গিয়া থা। ओके माय सिस्टर कॉल्ड टू डॉक्टर। ओके अपॉइंटमेंट लेने के बाद मैं और मेरे मम्मी हम दोनों आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स चेंबर बंद है। जब फ़ोन करे बोलते डॉक्टर ने कि आज पे की बोलते, ओके लेट अस वेट फॉर एंड सी व्हाट हैपन। तो मेरे सिस्टर उसको कॉल करने वाली है, तो कॉल करने के बाद क्या अपडेट आता है वो आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स डॉक्टर का तो काम नहीं बना, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मेरा दूसरा काम के लिए। तो यहाँ पर एक मिसकम्युनिकेशन हो गया है, क्या हुआ पता नहीं, डॉक्टर्स का भी फ़ोन लगा रहा, मेरा सिस्टर बोल रहा है फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। सो आई डोंट नो किसका गलती है, डॉक्टर का तो गलती शायद नहीं है, मेरे बहन का ही गलती है, बोला कुछ और सुना कुछ और नैरेट किया कुछ और। तो ठीक है चलिए यहाँ पर आया हूँ, सामने ही मेरा कंप्यूटर का दुकान है, मेरा नहीं, मैं जहाँ से मेरा एडिट का सेटअप मैंने लिया था, तो वहाँ पर एक इशू हो चुका है मेरा कंप्यूटर का, क्योंकि मेरा SMPS इज़ नॉट वर्किंग। तो SMPS का 2 साल का वारंटी है, उसमें से सिर्फ 1 ही साल हुआ है, तो अभी उसको थोड़ा सा एक्सचेंज करने का कुछ सीन है। ओके तो इसीलिए SMPS तो मैंने भेज दिया है, बट जो बिल है वो यहाँ पर सबमिट करना है, और मेरा जो एडिट सेटअप का जो रैम उसको थोड़ा सा एक्सटेंशन भी करना है। সত্যতা নেই সত্যতা নেই আসবে কি একটু পরে আসবে কি
ঠিক আছে, সুমিত দা কি এসেছিল? সুমিত দা বাবুদের? আচ্ছা ঠিক, তাহলে এই বিলের জেরক্স বা কিছু করে রাখো না, বাবুদের হাতে পাঠিয়ে দিয়েছি SMPSটা, ওই বিলটা বলেছিল দোকানে দিয়ে যেতে। ওই তো আচ্ছা, বিলটা 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 বিল বিল হ্যাঁ, এই না এসছিল তো কান্নাকাটি করতে, নেই দোকানে, কোথায় গেছে? হ্যাঁ রুজি, আমার আমার রুজি রোজগার আমার এটাতে। হ্যাঁ না এটা এটাই বেশ ফ্রেমটা ভালো আছে এটাতে, ওটা মানে মানে আকাশে উঠে যাবে। এই যে বিল নিয়ে এসছো, এসএমপি একটু কি নিয়েছো? হুম চলিয়ে ঘুস যাতে চলো, হো গিয়া ট্রাফিক জ্যাম সে নিকলনা ভি এক আর্ট হতা হ্যায়। ওকে এন্ড আই এম কোয়াইট এক্সপার্ট উইথ দিস আর্ট। চলো ইয়ার ইয়হাঁ পর সিগনাল হ্যায় বাট নিকল চলতে হ্যায়। তো দিস ইজ দ্য কলোনি মোড় জো হার্ট অফ দ্য সিটি হ্যায় মেরা টাউন কা। এক হ্যায় দো জগহ, এক হ্যায় কলোনি মোড় আর দুসরা হ্যায় চাপাডালি। সে কলোনি মোড় সে মে পাস কর রহা হুঁ, তো অভি জানা হ্যায় তিসরা কাম করনে কে লিয়ে, দ্যাট ইজ বাইক মে পেট্রোল একদম নেই হ্যায়, একদম খতম, রিজার্ভ মে চলা রহা হুঁ। লাস্ট দো তিন দিন সে সোচ রহা হুঁ বাইক কো পেট্রোল ডালনা হ্যায় বাট ভুল রা হুঁ, বাট আজ তো পেট্রোল ডালনা হি হ্যায়। তো ভাইয়া আ চুকা হুঁ পেট্রোল পাম্প মে, নাও নিড টু ক্রস দ্য রোড, উধারে পেট্রোল পাম্প। তো চলো থোড়া সা প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন দ্য কিওর, কই জলদি জলদি নেই, রিল্যাক্স অ্যান্ড মুভ অন। দেখো দোনো সাইড কই গান কার নেই আ রা হ্যায়, ইতমিনান সে ক্রস কর লো। 200 রুপে কা পেট্রোল ডালনা হ্যায়, চলো চলো না না ঠিক আছে, দাঁড়াবে করে দাঁড়াবে, 200 rupees। Now I have to take the left. মুঝে ইধর ইধর ঘুসনা হ্যায় বাট ইয়হাঁ সে চলো, ক্যান আই মুভ অন, ঘুসনা হ্যায়। সো ভাই জো মে বোল রা থা ট্রাভেল কা ব্লগ তো দেখতে জো লোক ট্রাভেলিং কা পসন্দ করতে হ্যায় মিন্স ওয়াহাঁ পর আপকো ভি দেখতে হ্যায় উসকে সাথ ট্রাভেলিং কো ভি মজে লেতে হ্যায়, বাট আপকা জো লাইফস্টাইল ওয়ালা ব্লগ জো লোক দেখতে হ্যায় না ও ভাই দিল সে আপকো প্যার করতে হ্যায়, ও জো ভি হো 50 হো 100 হো 200 হো 1000 হো জিতনে ভি লোক আপকা লাইফস্টাইল ওয়ালা ব্লগ দেখতে হ্যায় ও আপ লোক কে সাথ কানেক্টেড হ্যায় বহুত দিল সে, তো দ্যাট ইজ দ্য থিং, সেই এক ব্লগার কা সাকসেস হ্যায়। সো ফাইনালি মে পৌঁছ গিয়া হুঁ মেরা লোকাল মার্কেট মে, ইয়ে চারো তরফ গ্রোসারি শপ, পর মুঝকো গ্রোসারি ট্রোসারি জ্যাদা কুছ নেই লেনা হ্যায়, মুঝকো লেনা হ্যায় এগ। আন্ডে ভি দো তরহ কে হোতে হ্যায়, এক হোতে মুরগা কা আন্ডা, এক হোতে হ্যায় হান্স কা আন্ডা। তো মে মেরি মম্মি আর মার সিস্টার হাম তিনো উই জাস্ট ফন্ড অফ ইউ নো ইটস লাইক গুজ এগস, তো ইয়ে ফল অঙ্কেল জি কে পাস ও ভালো আন্ডা মিলতে হ্যায় বড় বড় দেখে হ্যাঁ মনে করিয়ে দি, হেলমেট পরে চিনতে না পারে আজকে ছোট আর বড় আলাদা করে রাখে না, বড় বড় দেখে তো না কাকু এখন বড় বড় দেয়। আচ্ছা এটা দেখে ডিম কি পচা না কি ভালো কি দেখো, ডিমের ভেতরে বাচ্চা চলে এসছে দেখো কি দেখো এর মধ্যে, হ্যাঁ আচ্ছা আর কোন যেটা কি ভেতরে কি আছে অপরিষ্কার দেখে নি, ওকে দ্যাটস গুড, হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়াঁ পর হ্যায় ইট ইজ নট ওকে, ওটা কি নষ্ট হয়ে গেছে না, ওটা কি ওটা বিক্রি করবে না ওটা এমনি থাকবে কমে একটু,
ओके सो गाइस एक नया चीज़ सीखा मैंने, जो फ्रेश है लाइट में अगर एक को रखोगे, इफ इट इज़ फ्रेश देन इट इज़ अ गुड वन, और इट इज़ नॉट फ्रेश वहाँ पर कुछ यू नो जस्ट लाइक कुछ अगर काला काला कुछ दिखेगा अंदर में लाइट में तो दैट इज़ नॉट ओके। एक बहुत ही कमल का रेसिपी होता है बैंगन और एक का रेसिपी, आहा क्या स्वाद होता है। तो आज रात को वही रेसिपी घर में फिर से पौराना है, तो इसके लिए चाहिए छोटा 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 जो बैंगन होता है ना, बड़ा साइज नहीं, जो छोटा बैंगन होता है वी नीड दैट वन। तो राइट नाउ आई एम लुकिंग फॉर दैट वन, ये सब जो देख रहे हो ये सब बड़ा बैंगन है, ये सब बड़ा बैंगन है, ये सब नहीं। माँ छोटा बैंगन, बैंगन का तो 510 नहीं ना 500 सो फ्रेंड्स इतने सारे बैंगन सिर्फ 10 रुपये। सो फ्रेंड्स ये है मेरा एरिया का जो रेलवे फटक जो कभी भी खुला नहीं रहता, यूजुअली जब मैं जाता हूँ तो एज यूजुअल सेम, तो खड़ा हूँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। ट्रेन देखने का सौभाग्य मिला आफ्टर लॉकडाउन, हाँ बीच बीच में दिखा जाता है, बट अभी इतना भी लोकल ट्रेन ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो आई यूज़ टू बी द पैसेंजर एवरी डे ऑफ दिस लोकल ट्रेन वंस अपॉन अ टाइम, जब मैं कॉलेज जाता था, जब मैं ट्यूशन्स लेने जाता था, और जब मैं एज अ एम्प्लॉय में कॉलेज में काम करता था गुरुकुल में, तो इस ट्रेन से ही मुझको आना जाना पड़ता था। तो ट्रेन के साथ एक बहुत इमोशनल कनेक्शन है। सो 8-9 महीने बाद लोकल ट्रेन चालू हुआ है, तो चलो अभी गेट विल बी ओपन, चलो खुल गया है। इतने क्राउडेड जगह में गाड़ी को लेकर पास करना भी एक बहुत ही आर्ट है। अभी देखो सीन देखो, सो फ्रेंड्स ये जो पोस्टर देख रहे हो ना, ये एक बंगाली मूवी का पोस्टर है, और ये जो हीरो है ये मेरा सर है अच्छी तरह अनिर्बान। तो सीन क्या है थोड़ा सा आपको बता दूँ, बचपन में जब मैं क्लास 11 में पढ़ता था इन स्कूल, ही वॉज माई यू नो अकाउंटेंसी टीचर। तो अभी हाल फिलहाल में ये हीरो बन चुका है, तो मेरा मम्मी वॉन्टेड टू सी इसका पोस्टर, तो यूजली नहीं निकलती है, तो बोले ठीक है चलो चारों तरफ एरिया में उसका पोस्टर लगा हुआ है, आप उसको दिखा देता हूँ। तो उसका घर कहाँ है वो भी दिखा देता हूँ, मेरा घर के एकदम शाम पास ही है। तो वो था हीरो का पोस्टर, हीरो का घर, कभी मौका मिला तो व्लॉग में भी उसको लाऊंगा। ओके उसका नाम है अनिर्बान। चारों तरफ घर के आसपास चारों तरफ पोस्टर लगा दिया है, ये है उसका घर। इस ये जो इधर से जाओ पहला वाला घर ही उसका घर है। घर आने के बाद देयर इज अ सरप्राइजिंग थिंग दैट इज द मोमो, घर में बना हुआ मोमो, चिकन मोमो और मटन मोमो, क्या कौन सा मोमो है? चिकन मोमो। ओके इसका फेस भी मोमो जैसे लग रहा है, देखो में भी है मोमो। ओके और वहाँ पर भी मोमो तैयार, और भी मोमो तैयार हो रहा है। सो जो लोग यू नो जैसे लाइक खाने पीने के शौकीन है वो लोग ढूंढ लेते हैं खाना। सो देखो जब भी यूजुअली घर में तो माई मॉम नेवर मेक्स दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो जब भी मेरा सिस्टर आते हैं ससुराल तभी ये सब स्पेशल स्पेशल खाना हर दिन हम लोगों का नसीब में आता है। सो गाइस घर में वापस आ चुका हूँ, और घूम घूम के जो जो काम मैंने किया शाम को आज मम्मी के साथ, आई हैव शोन एवरीथिंग ऑल ऑफ यू। छोटा सा ब्लॉग है, उसके बाद मोमो खाना है, पर ब्लॉग को वहाँ पर ख़त्म करते हैं, उसके बाद एडिट भी करना है, सुबह 7 बजे वीडियो को अपलोड भी करना है, 7:30 बजे अपलोड भी करना है। सो आप लोग जैसे मुझको प्यार दे रहे हो, एज आई टोल्ड यू इन माई मिडिल में जो लोग लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग देखते हैं वो लोग एग्जैक्टली आपका एग्जैक्टली सच्चे मन से आपको प्यार करते हैं। जो लोग आप मुझको जो मेरे 50, 100, 200 मेरा लाइफ स्टाइल वाला ब्लॉग देखते हो आप लोग, भाई आपको दिल से सलाम, दिल से प्यार, दिल से दुआ। ऐसे ही देखते रहना, ऐसे ही चैनल को ग्रो करते रहना,
सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।